दोस्तों कई बार हम अपने फोन में बहुत सारा जीमेल आईडी बना लेते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि उसे डिलीट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जीमेल आईडी को डिलीट करने के लिए। तो एक होता है रिमूव और दूसरा होता है परमानेंट डिलीट। रिमूव में क्या होता है कि आपका जीमेल आईडी को आप टेम्परेरी हटा सकते हैं, यानी कि कुछ देर के लिए आप उसे रिमूव कर सकते हैं अपने फोन से, वो आपके सर्वर में सेव ही रहता है, फिर से आप दूसरे फोन में जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन कर सकते हैं। और परमानेंट डिलीट में आपका जो जीमेल आईडी है सर्वर से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, दोबारा उसका आप बैकअप नहीं ले सकते हैं। तो आज ही की इस वीडियो में मैं जो आपने परमानेंट डिलीट किया है जिस जीमेल आईडी को, उसको वापस कैसे लाएं ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए जानते हैं कि अपने फोन से जीमेल आईडी को रिमूव कैसे करते हैं, यानी कि टेम्पररी कैसे हटाते हैं। तो इसके लिए आपको जीमेल में जाना है, थ्री डॉट दिखेगा उस पर क्लिक करना है, फिर नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारा जीमेल आईडी दिख जाएगा, इसमें से जिसको आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद जितना भी ये बॉक्स दिख रहा है सबको टिक कर लेना है। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ गूगल पे क्लिक करेंगे और जो भी जीमेल आईडी आपको डिलीट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे मोर में थ्री डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हैं रिमूव अकाउंट है, उस पर क्लिक करके आप जीमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारा जीमेल आईडी रिमूव हो गया है। अब हम जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट करेंगे। इसे जीमेल में जाना है और ऊपर अपना आईडी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जीमेल आईडी आपको डिलीट करना है वो वाला आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डाटा एंड प्राइवेसी में जाना है और आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और यहाँ देख सकते हैं डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करना और यहाँ आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल लेना है, अगर आपका फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट डाल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक रिकवरी अकाउंट डाल लेना है, जब रिकवरी अकाउंट डालेंगे तभी आपका जीमेल आईडी जो है डिलीट होगा। तो यहाँ आप अपना दूसरा वाला जीमेल आईडी डाल लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उस जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल लीजिए और फिर यहाँ यस पे क्लिक करना है। अब आपको उस फोन में जाके यस आई एम इन पे क्लिक करके बताना रहे कि मैं ही हूँ। अब आपका जीमेल आईडी डिलीट हो चुका है। अगर आप इस जीमेल आईडी को 30 दिन लॉगिन नहीं करते अपने फ़ोन में तो यह आपका जीमेल आईडी परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर फिर आप इसे लॉगिन कर लेते हैं तो ये जीमेल आईडी नहीं डिलीट होगा। तो अब आपका जीमेल आईडी डिलीट हो चुका है, अब आप दोबारा इसे लॉगिन ना करें। अगर आपने जो जीमेल आईडी को अभी परमानेंट डिलीट किया है उसे फिर से आपको वापस लाना है तो इसके लिए आपको इस जीमेल आईडी को 30 दिन के अंदर अंदर अपने फ़ोन में फिर से ऐड अकाउंट में जाके जीमेल आईडी डाल लेना है और पासवर्ड डाल लेना है। अब ये आपका जीमेल आईडी फिर से आपके फ़ोन में लॉगिन हो जाएगा। अगर 30 दिन के बाद आप इसे लॉगिन करते हैं तो ये कभी लॉगिन नहीं होगा, ये हमेशा परमानेंट के लिए डिलीट हो चुका होगा।